उनको हम काउंटर करने की जगह और उनको एग्जेजरेट कर देते हैं, कैसे एग्रोवेट कर देते हैं, कैसे कि हम ये बोलते हैं कि यस आर बॉडी आर चॉइस, नो इट्स नॉट आर बॉडी आर चॉइस। हमारी खुद की बॉडी में कितने सारे ऐसे इन्वॉल्वमेंट लॉग हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नेम सम, या हार्ट एंड चला गया है, हमारे खुद की बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हाउ कैन वी से दैट वी ओन आवर बॉडी, नो वी डोंट ओन आवर बॉडी। इस्लाम हमें ये कॉन्सेप्ट देता है कि तुम्हारे जिस्म जो है, तुम्हारे जो नेमत है तुम्हें लिए है, वो अमानत है, ट्रस्ट है, एंड यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। वी कैन नॉट अब्यूज आवर बॉडी सेइंग दैट इट्स माय बॉडी माय चॉइस। मैं आप लोगों को, आप लोग सोचेंगे टॉपिक इस्लामोफोबिया है और मैं माय बॉडी और माय चॉइस में सब कुछ की बात कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम सेकेंड कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं ना, पहली कैटेगरी को ये नो रूम करके बैठ गए थे, कुछ हो भी रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने आगे बंद कर दिया, हमें लगता है सब ठीक है। सेकेंड कैटेगरी में हम जिन लोगों को हक प्रेजेंट करने की जगह हम हक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके वो डेफिनेशन, वो डिस्टॉर्टेड डेफिनेशन प्रेजेंट करते हैं जिससे और इस्लामोफोबिया बढ़ता है। जैसे कि वो बहुत केओस पैदा करता है, एक कन्फ्यूजन पैदा करता है। अगर प्री कंसीव नोशन है, प्रिजुडाइसिस है, तो हमारा काम है हक को एज इट इज प्रेजेंट करना, ना कि उसमें कॉम्प्रोमाइज करना, ना कि उसे एडल्ट्रेट करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। लिबरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि फेमिनिज्म इज द ओनली वे थ्रू व्हिच वी कैन लिबरेट वुमेन, और अगर कोई फेमिनिज्म के अगेंस्ट होता है तो पीपल थिंक दैट दे आर एंटी वुमेन, एज इफ फेमिनिज्म की मोनोपोली है लिबरेशन ऑफ वुमेन पे। नो इट्स नॉट। इनफैक्ट अगर आप फेमिनिज्म की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि उनमें भी कई पेज हैं। अगर आप बात करें तो आपको समझ में आएगा वो लोग खुद एक डेफिनेशन पे सेटल डाउन नहीं है। अगर आप देखें तो खुद समझेंगे कि खुद बहुत सारे फेमिनिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे कर रखा है बिहाइंड ऑफ द कैपिटलिस्ट इन द नेम ऑफ फ्रीडम। लेकिन हमें ये सब तब पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे। फेमिनिज्म में लोग एंटर इसलिए करते हैं ये सोच के कि ये कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं लिबरेशन की बात कर रहे हैं, लिबरेशन। लेकिन फेमिनिज्म आपको एक ऐसा लेंस बना देता है, एक ऐसा सेक्सिस्ट लेंस बना देता है कि आपको हर चीज पेट्रियार्कल लगने लगती है। अभी मी टू कैंपेन चला था, उसमें औरतों ने अपने बारे में बताया कि उनके साथ कितना अब्यूज हुआ। जब मर्दों ने बताना शुरू किया तो औरतों ने बोला कि वाई आर हाइजेक आर कैंपेन, क्यों भाई हाइजेक कैंपेन करने की क्या बात है, क्या मर्दों से अब्यूज नहीं होते? इफ यू आर शेयरिंग योर मी टू कैंपेन, मी टू एक्सपीरियंसेस, लेट देम शेयर। नाउ दिस इज द इशू विद फेमिनिज्म, दे सी एवरीथिंग विद अ पर्टिकुलर प्रोवाइडेड लेंस। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जाने हमारा लिबरेशन किधर है, और अगर इस्लामोफोबिया है तो हम उसे कैसे कन्फ्रंट करें, और हम तभी कन्फ्रंट कर पाएंगे जब हम प्रिंसिपल्स को एज इट इज़ रखेंगे, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इतना बोला जाता है टीवी पे कि मर्द अपनी औरतों को दबाते हैं, मुसलमान मर्द अपनी औरतों को दबाते हैं, इतना बोला जाता है कि कहीं ना कहीं औरतों को भी ये लगने लगा है कि उनके जो मुसलमान मर्द हैं उनको दबाते हैं। इनफैक्ट आप लोगों में से बहुत से लोग हिजाब कर रहे हैं, आप लोगों ने खुद ये महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस होगा आपका अपना, कि बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या आपके हस्बैंड ने या आपके बाप वालिद ने या फिर आपके भाई ने आपको बोला है ये करने के लिए, राइट? हुआ है किसी के साथ ऐसा? कहते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि इट्स पैट्रियार्कल, मर्दों ने औरतों पे ये इम्पोज किया है कि तुम कवर करो। और हम क्या करते हैं, हम उन्हें ये बताने की जगह कि इट्स फ्रॉम गॉड, ये गॉड का कमांडमेंट है, हम बोलते हैं कि ये तो फ्रीडम है हमारी, हमने खुद चूज़ किया है। नो, यू हैव नॉट चूजन इट योर सेल्फ, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये गॉड का कमांडमेंट है, राइट? और आप बताइए कि इस वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज हमें किसी ने कंपेल किया है करने को, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। बताइए उनको कि पर्दे का हुक्म अल्लाह सुब्हान तआला ने मर्दों के लिए भी दिया है, लोअर देयर गेज एंड गार्ड देयर मॉडेस्टी, अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, उनके लिए भी है। जो ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, नज़र तेरी बुरी पर्दा मैं क्यों करूँ, ये क्या है? इट्स सो सेक्सिस्ट इन इटसेल्फ। उनकी नज़र बुरी और अच्छी की वजह से आप पर्दा नहीं कर रहे हैं, आप पर्दा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। क्या लोगों की जिनकी नज़रें अच्छी है, हमारे वो कज़न्स जो कि नाम हरम की लिस्ट में आते हैं लेकिन उनकी नज़रें अच्छी है, क्या हम उनके सामने पर्दा नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है।
लेकिन जब हम चीज़ें एक पर्टिकुलर लेंस से देखते हैं तो हमें हर चीज़ पेट्रियार्कल लगती है। हैविंग सेड दैट ऑल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑपरेशन नहीं है, बेशक बहुत ऑपरेशन है और सारे ही ऑपरेस्ड हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो चाहे बच्चे हों, सब ऑपरेस्ड हैं। औरतें ज़्यादा ऑपरेस्ड हैं, नो डाउट, लेकिन इसका हम पूरा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ मर्दों पर नहीं डाल सकते। अल्लाह सुब्हान ताला हमें सूरह अन्निसा आयत नंबर 135 में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इंसाफ के लिए? ऐ ईमान वालों, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, चाहे वो तुम्हारे खुद के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, और अल्लाह के लिए तुम विटनेस बन जाओ। और अगर तुमने इंसाफ में कुछ हेरा फेरी करी तो जान लो कि अल्लाह जानने वाला और बाखबर है। स्टैंड फॉर जस्टिस, बीट अगेंस्ट योर ओन सेल्फ, बट यू विल सी लॉट ऑफ फेमिनिस्ट कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि वो हमेशा सेक्सिस्ट वॉर में इन्वॉल्व रहती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। अल्लाह सुब्हान ताला ने मर्दों को इस्लाम में अवाम बनाया है। अवाम का मतलब होता है गार्जियंस एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ वेमेन। अगर आप इसको इस्लामिक परस्पेक्टिव से देखें तो इसका मतलब ये है कि दे आर द वंस हु विल प्रोवाइड फॉर द फैमिली। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस उनके हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप इसे फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो कहेंगे कि बताओ वाई दे आर द ओनली अवाम, हम क्यों नहीं हैं, जबकि अल्लाह सुब्हान ताला ने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी हैं। मर्द कमाए, औरत बच्चों की तरबियत पर ध्यान दे। अगर देखें तो अल्लाह ने हमें इतना बड़ा ऑनर दिया है, हम पे इतना बड़ा ट्रस्ट किया है कि हम आगे आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को रेज कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह सुब्हान ताला हमें मना नहीं करते, औरतों को मना नहीं करते कि वो पब्लिक स्पेस में जाके कमा नहीं सकती हैं। विद इन परमिसेबल लिमिट्स यू आर अलाउड टू अर्न एज वेल। और आपको पता है अगर एक मर्द कमा रहा है तो ही इज ऑब्लिगेटेड, यू नो, इज ऑब्लाइज्ड, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसे अपने घर में पे करना है फाइनेंशियल पूरा जो उसकी ज़रूरत है। लेकिन एक औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड अगर कमा रहे हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उनकी कमाई का पैसा मेरे ऊपर और मेरी फैमिली पे, उनकी फैमिली का खर्च हो। लेकिन अगर मैं कमा रही हूँ तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं डाली है। मैं चाहूँ तो खर्च करूँ, ना चाहूँ तो नहीं खर्च करूँ। लेकिन ये चीज़ हम तब देखेंगे ना जब हम चीज़ें इस्लामिक परस्पेक्टिव से देखेंगे। लेकिन जब हमें एक लेंस दिखाया जाएगा उस हिसाब से हमें हर चीज़ फिर ऑप्रेसिव दिखेगी, हर चीज़ हमें बर्डन लगेगी। आपको पता है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अधा शी वाज़ अ बिजनेस वुमन, जानते होंगे आप सब। शिफा बिनते अब्दुल्ला, नाम सुना है आप लोगों ने, शिफा बिनते अब्दुल्ला, शी वाज़ द मार्केट इंस्पेक्टर एट द टाइम ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि सेकेंड कैलिफ थे ऑफ इस्लाम। वो मार्केट इंस्पेक्टर थी शिफा बिनते अब्दुल्ला, शी वाज़ अ वुमन, और वो एक मार्केट इंस्पेक्टर थी। वो देखती थी कि किसी ने कुछ मिलावट तो नहीं कर रखी है, एडल्ट्रेशन तो नहीं कर रखी है, और वो अगर कोई एडल्ट्रेशन कर रखता होता था तो वो वहीं के वहीं उसे सजा देती थी। इस्लाम में मना नहीं है कि आप बाहर जाएं कमाएं, जो कि आपके डोमेन है उसमें, विद इन परमिसेबल लिमिट्स। लेकिन होता क्या है, इस्लाम को इस तरीके से दिखाया जाता है कि औरतें जो हैं उनको सिर्फ घर में रहना है, इस तरीके से दिखाया जाता है ना। चीज़ें कन्फ्यूज़ कर दी जाती हैं, ईस्ट वेस्ट इस्लाम। ईस्ट को अक्सर लोग इस्लाम समझते हैं और वेस्ट को अक्सर लोग लिबरेशन समझते हैं। इस्लाम तो बीच में पता नहीं कहाँ आया, लोग पढ़ते भी नहीं हैं शायद, और कोशिश करते हैं अपीस करने के चक्कर में डिस्टॉर्ट कर देते हैं पूरी पूरी डेफिनेशंस। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज़ द बिजनेस वुमन, शिफा बिनते अब्दुल्ला वाज़ द मार्केट इंस्पेक्टर, फातिमा अल फेहरी, किसी ने सुना उनका नाम? आप में से कितने लोगों ने फातिमा फेरी का नाम सुना है? एंड प्लीज़ लेट्स नॉट फील शाय, हम एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा मैं यहाँ लेक्चर देने आई हूँ और आप सुनने आए, हम एक दूसरे से ही लर्न करते हैं। किसी ने सुना है फातिमा फेरी का नाम? फातिमा अल फेरी, यू नो, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी, डिग्री रिवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी, फर्स्ट डिग्री रिवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी इन मोरक्को, और वो अभी भी ऑपरेशनल है। फातिमा अल फेहरी, उम्मे अमारा, शी वॉज ए सोल्जर इन द बैटल फील्ड्स,
इस्लाम मना नहीं करता आपको पब्लिक स्पेसेस में आने के लिए, इस्लाम मना नहीं करता आपको कमाने के लिए, यहाँ तक कि बल्कि आपको ये राइट्स दिए जाते हैं कि आपकी कमाई के लिए आप ऑब्लाइज नहीं हो कि आप अपने घर पर खर्च करो, कर रहे हो तो एहसान है। लेकिन अगर आप यही सब चीज़ें एक अलग लेंस से देखोगे तो आपको सब कुछ ऑप्रेसिव लगेगा। और अगर हम यही लेंस पहनकर अगर हम सोच रहे हैं कि हम इस्लामोफोबिया को कन्फ्रंट कर देंगे तो इट्स अ वेरी सैड स्टेट, क्योंकि हम इस्लामोफोबिया को कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे, बल्कि कहीं ना कहीं हम और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जब हर कोई हमारे बारे में बात कर रहा है, जब हर कोई इस्लाम के बारे में बात कर रहा है, तो हम ही क्यों ना बात करें, तो फिर हम ही क्यों ना सही बात उनको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों फिर हम चीज़ें एडल्ट्रेट करने में लग जाते हैं और क्यों हम अपीजमेंट में लग जाते हैं। लोगों के सामने प्रिंसिपल्स रखिए, जो कोर चीज़ें हैं वो रखिए, पीपल विल अंडरस्टैंड इंशाल्लाह, जो सच की तलाश में है दे विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। एक एक्सट्रीम ये भी है, और नो डाउट बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है औरतों के ऊपर, लेकिन एक एक्सट्रीम में ये भी देखती हूँ कि मर्द जो है कहीं ना कहीं, मुसलमान मर्द भी कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि औरतों को उनके लिए बनाया गया है। सुना होगा आपने कि औरतों को तो बनाया ही हमारे लिए गया है, और इसका एक रद्द अमल, एक रिएक्शन हम देखते हैं कि फिर औरतें एकदम ही एंटी मैन हो जाती हैं और उनको लगता है कि ये पूरी रेस, ये पूरा जेंडर ही ऑप्रेसिव है। दो कुछ एक्सट्रीम साइड्स हम लोग देखते हैं। अगर हम इस्लाम को देखें तो हमें समझ में आएगा कि क्या सही है, इस्लाम क्या कहता है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कुरान में सूरह अद-दारियात में आयत नंबर 56 में, नहीं बनाया मैंने इंसान और जिनको सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान और जिनको बनाया ही इसलिए कि वो उनकी इबादत करें। अल्लाह सुब्हान तआला ने औरतों को मर्दों के लिए नहीं बनाया, अल्लाह सुब्हान तआला ने दोनों को अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए। लेकिन ये हम तब कब रखेंगे, ये बात ये हम तब रखेंगे ना जब हमें नॉलेज होगी, और जब हमें नॉलेज होगी यकीन मानिए तभी हम इस्लामोफोबिया को कन्फ्रंट कर पाएंगे। अदरवाइज जो डेफिनेशन इस्लामोफोबिया वाले इस्लामोफोब्स हमें पढ़ा रहे हैं, हम उसी में कुछ कुछ डिस्टॉर्ट करके अपनी एक्सपीरियंस घुसा देते हैं, प्रिंसिपल्स को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि और ज़्यादा कन्फ्यूजन, और ज़्यादा हेट्रेड, और ज़्यादा वियर्ड सॉर्ट ऑफ नैरेटिव्स। इट्स हाई टाइम कि हम चीज़ों को समझें। अल्लाह सुब्हान तआला सूरह आल इमरान में आयत नंबर 195 में ये बात कहते हैं कि हुआ तुम मर्द हो या औरत, तुम्हारे नेक अमाल ज़ाया नहीं किए जाएंगे। यानी कि अल्लाह के नज़दीक चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के वर्क एक्सेप्टेबल है। और कुरान इस बात को कई बार कह चुका है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो जिसका जज़ाकअल्लाह है, जिसका तकवा बेहतर है। तो इट्स नॉट कि जेंडर के ऊपर अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने किसी को चूज कर रखा है, चाहे वो मर्द हो या औरत, बेहतर हो इन द साइट ऑफ गॉड जिसका तकवा, गॉड कॉन्शियसनेस बेहतर है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ के नैरेटिव देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मर्द और औरत एक पूरी वॉर में है, एक जेंडर वॉर में है। जबकि अगर हम देखें तो मर्द और औरत को अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ भी चीज़ें उलट कर दी जाती हैं एक अलग लेंस से, एक अलग पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस्लामोफोबिया को कन्फ्रंट करें, तो हमारा पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता कि हम नज़रें बंद करके बैठ जाएं, जो हो रहा है उसको इग्नोर करें और हम सोचें कि सब कुछ ठीक है जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि हम चीज़ों को डिस्टॉर्ट करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल्स के साथ एकदम छेड़ाखानी कर दी जाती है, उससे और ज़्यादा केओस, कन्फ्यूजन और हेट्रेड पैदा होता है, क्योंकि लोग और कन्फ्यूज हो जाते हैं। इवन इफ समवन वांट्स टू स्टडी इस्लाम दे जस्ट गो फार अवे, उनको समझ में नहीं आता कि व्हाट्स हैपनिंग। ऐसे बहुत से लोग हैं खुद मेरे ही रेडियस में जो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट्रेड था इस्लाम को लेके, ऑल अबाउट हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स। उनके इस हेट्रेड ने उनको कंपेल किया कि वो ओपन अप और वो इस्लाम को पढ़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह मैं आपको क्या बताऊँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी प्रिंसिपल्स कितने क्लियर हैं, दे आर सो नॉलेजेबल।